तो अब देखा जाए। अजीत जी, अजीत जी, संजोग से मुझे 20 साल पहले, आज से 15-20 साल पहले का बहुत व्यक्तिगत अनुभव है, जो जो आज के नेता ने रिजाइन किया या शैला दीक्षित सरकार में जब मैं रिपोर्टिंग में था, तो उस वक्त मुझे बहुत व्यक्तिगत अनुभव है उस कैबिनेट के साथ ही, सभी मिनिस्टर के साथ, और इंक्लूडिंग शैला दीक्षित, अब तो वो नहीं रही। मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में इससे ज्यादा, और अब मेरे ख्याल से अतुल जी इसको सेकेंड करेंगे, 100% सेकेंड करेंगे, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सरकार मैंने देखी नहीं थी सर, कभी भी किसी भी वक्त। इवन मुख्यमंत्री के चैम्बर में आप घुस सकते थे, मुख्यमंत्री के चैम्बर में कोई आप जाते आराम से आप घुस सकते थे, और मिनिस्टर के चैम्बर में तो आप जाकर के बैठ करके सो सकते थे, ये लिबर्टी थी, ये हालत थी, इतना डेमोक्रेटिक, कोई पूछताछ नहीं, और इतना खुल करके ये लोग बात करने वाले थे। और इन एंटायर मिनिस्ट्री को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और शैला दीक्षित जिस तरह से, और यही कारण रहा कि 3 टर्म बीजेपी लगातार कोशिश करती रही साहब, लेकिन 3 टर्म शैला दीक्षित जीतती रही, क्योंकि वो पीपुल्स के नब्ज को पहचानती थी। और ये जितने कैंडिडेट है ना, इनको सबसे बड़ा धक्का इस बात का लगा है, इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है अजीत जी, ये जितने हैं अभी अरविंदर सिंह, इनके बहुत अच्छे रिलेशन है बीजेपी के सभी नेताओं से, इनकी लड़ाई बीजेपी से बिल्कुल नहीं है। और अगर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी छोड़कर के वापस आए अभी कांग्रेस में, तो वो समझते थे कि हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुझे, हमारे बेस को खत्म कर दिया है, हम सिर्फ जीरो पर पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं रहा जब बीजेपी से टक्कर में थी कांग्रेस पार्टी, तो जीरो पर कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको जीरो पर कर दिया, और उसी पार्टी के साथ ये गलबहियां कर रहे हैं, तो इनका गुस्सा बहुत जायज है मुझे लगता है। और एक और बात बताएं, एक और नेता गुजर गए, मेरे ख्याल से अतुल जी उनको जानते होंगे, पुराने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बालिया, डॉक्टर ए के बालिया, वो लोग इस तरह के नेता थे कि जनता के साथ मिल करके बैठ करके घूम रहे हैं। आज मैं आपको अजीत जी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाइए, आप आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये केजरीवाल क्या चीज है। पत्रकार सेक्रेटेरिएट के बाहर में गेट पर एक जगह बना दिया है, समझ गए साहब। ये भी मैं आज से 10 साल पहले गया था जब इसकी सरकार बनी थी, अब तो मैं गया ही नहीं हूं, इनकी सरकार बनी थी तब मैं गया था, केजरीवाल की नई नई सरकार बनी थी। पत्रकारों के लिए बाहर का दरवाजा रख दिया है, वहीं पर बैठिए, और अंदर तो नहीं ही जा सकते हैं सेक्रेटेरिएट में साहब। तो इस तरह का, मैंने कहने का मेरा मतलब, मैं जो बता रहा हूं ये कि दिल्ली के नब्ज को शैला दीक्षित की जो पूरी टीम थी वो जानती थी। और एक ठीक है, एक बार हार गए वो, सत्ता से बाहर चले गए, उनके ऊपर अगर कांग्रेस, अभी देखिए अजय माकन को उन्होंने सौंपा, नहीं चला पाए अजय माकन, फिर दूसरे लोगों के ऊपर ट्राई किया, नहीं चला पाए। तो दिल्ली की जो टीम थी शैला दीक्षित की, उस टीम को एक बार फिर से मौका देना चाहिए था, उन्होंने काम किया था, उनसे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ओबलाइज किया था, तो ये नाराजगी मुझे लगता है। हाँ जी अजीत जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक छोटा सा सवाल, राजकुमार चौहान भी पिछले हफ्ते छोड़ के चले गए कांग्रेस को, जी हाँ, राजकुमार चौहान जी भी चले गए, वो भी टिकट के उम्मीदवार थे, वो भी टिकट के उम्मीदवार थे, सही बात है। हाँ, वो भी टिकट के उम्मीदवार थे, वो अलग विषय है, लेकिन वो मैंने कहा ना आपको कि जितने आपको हैरानी होगी अजीत जी, मैं आज कुछ और खुला, अतुल जी जानते हैं, शैला दीक्षित के जो सबसे विरोधी व्यक्ति थे वो बीजेपी का अपोजिशन लीडर नहीं था, शैला दीक्षित का विरोधी नेता हुआ करता था वो राम बाबू शर्मा हुआ करते थे, और एंटायर मीडिया लीडर ऑफ अपोजिशन के पास नहीं जाती थी, रामबाबू शर्मा के चैंबर में बैठती थी कि रामबाबू शर्मा कुछ बयान देंगे। इतना डेमोक्रेटिक पार्टी तो मैंने देखा नहीं है साहब, इंटरेस्टिंग डेमोक्रेसी था। और ये अनुभव को मैं कभी किताब में लिखने की कोशिश करूंगा, आखिर लिखने की बारी आई तो, मैंने दिल्ली के पावर पॉलिटिक्स पे। अतुल जी, ये जो रिजाइन करके गए हैं, आपको लगता है कि ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ज्यादती की है इन नेताओं के साथ? देखिए, जाति तो डेफिनेटली की है, क्योंकि दिल्ली का जो समीकरण है और जिस तरह का समीकरण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रहा है, उसके साथ तो डेफिनेटली ये जाति है। जिन नैतिक मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ या जिन नैतिक मूल्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही थी अब तक, दोनों ही उन नैतिक मूल्यों से हट गए।
और इस समय सिर्फ पावर टसल के बीच में पावर में कैसे रहा जाए, सिर्फ यही एक सोच रह गई है, बाकी सब स्वाह हो गया। और ये सब चीजें जो है ये डेफिनेटली पब्लिक जरूर वाच कर रही है, इन सब चीजों को बड़ा क्लोजली वाच कर रही है। जब हम अरविंद केजरीवाल को जिस लेवल से आए थे ये अन्ना मूवमेंट के अंदर, लोकपाल मूवमेंट और ये मूवमेंट और इतने बड़े बड़े जो वादे होते थे, और अब जब वो रिजाइन नहीं कर रहे, एक महीने से जेल में बैठे हैं, तो और उसके बावजूद फिर कोई भी मंत्री उनका ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा जिससे कि ये दिखाई दे कि वो कोई नैतिक मूल्यों के साथ खड़े हैं। वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर क्या खेल हो गया है, जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, सिर्फ एक केंद्र जो उनका है हाईकमान, वहां से जो भी निर्णय हो रहा है वो उनके ऊपर थोपा जा रहा है। कोई सलाह मशवरा नहीं है, पब्लिक के बीच में दिखाई नहीं देता है। इंटरनली तो क्या हो सकता है वो आप सोच ही सकते हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट लवली जी ने दी है, मैं अभी एक हफ्ता पहले लवली जी से मिला था हमारा जो पीपल्स सिटीजन चार्टर देने के लिए, और उस समय उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है आपका और हम इसको पूरा का पूरा इसको अडॉप्ट करेंगे। पर उसके बावजूद एक हफ्ते उस समय तक कोई ऐसा आभास नहीं था और उस समय तक ये कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए थे तीनों कैंडिडेट। बताइए अजीत जी अतुल जी ने मैंने उनके खिलाफ इतना मोर्चा खोला है पावर टैरिफ पर, हमको याद है उस वक्त इनके प्रेसिडेंट संजय कौल हुआ करते थे और लाइव पे वो मंत्री जी ने, बिजली मंत्री ने कहा कि ये कौन है संजय कौल, कौन है ऊर्जा, तो हमको याद है वो पूरा लाइव मैंने कंपेल किया कि माफी मांगी आप, और उन्होंने भरे लाइव में माफी मांगा कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं ऊर्जा को जानता हूं। इस तरह के उस व्यवहार वाले थे वो लोग। अब ये जो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है, ये आपको लगता है, ध्रुव साहब आप प्रतिक्रिया दीजिए, आप भी बहुत घूमे हैं लवली जी के साथ। ऐसा है कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, तो इंडिया अलायंस के अंदर पंखा ऑफ करना बेटा, आपस में एक दूसरे को गठबंधन करना था। अब ये जो है, जहां गठबंधन की बात नेशनल लेवल पे है, तो वहां रीजनल लेवल पे कुछ नेताओं को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है वो कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तो केवल एक ही एजेंडा बना रखा है, वो एजेंडा है जीत जीत और जीत, और उसके लिए जाने कितने सिटिंग सांसद जो उत्तर प्रदेश में भी जीते हुए थे पूरे देश में वो भी कुर्बान कर दिए केवल जीत के लिए। नहीं, दो बार के लगातार जीते हुए मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी की जगह अरुण गोविल को सीट थी। तो इस तरह इस समय केवल जो युद्ध चल रहा है इसमें आप ध्रुव जी एक मिनट रुके, आप बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी ने एजेंडा बनाया हुआ है जीत जीत, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने ये काम किया है अरविंदर सिंह लवली को कहा कि इस्तीफा दे दो? नहीं, जो अरविंद सिंह लवली का जो बात थी कि अब यदि पूरे देश के अंदर अलायंस करना है तो दिल्ली में भी एक अलायंस की जब इंडिया लेवल पर बात हो रही है तो उसको तो नेताओं को मानना ही पड़ेगा। अगर उसके अंदर फिर हमने वही रीजनल नेताओं ने अपना रीजनल की भाई ये आम पार्टी से क्यों गठबंधन किया, तो उस केस में यदि नैतिकता पर और इसके ऊपर कि हम आम पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो उस केस के अंदर ये इंडिया अलायंस का जो कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल फेल ही हो जाता। तो इसलिए यदि केंद्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला लिया, ये फैसला हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़े पड़ सकता था। लवली जी बहुत बढ़िया आदमी है और उनको, लेकिन बढ़िया आदमी के बावजूद लवली जी भी पार्टियां बदलते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस समय जो समस्या यहाँ पर जीत के लिए, क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बाहर का कैंडिडेट लाई हुई थी, मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी तो बाहर का नहीं, मनोज तिवारी तो वहां के सांसद हो गए हैं, एक मिनट रुकिए, हो गए हैं लेकिन कभी लाए थे ना। हाँ, कभी लाए थे बात। हाँ, तो बाहर के कैंडिडेट को लाए थे तो उनका मॉडल सक्सेसफुल रहा। तो इस समय भी कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इस समय हालात जो है इस मोटिव से, चाहे उससे संदीप दीक्षित को
समस्या हुई और लवली जी को, और साथ ही साथ बात यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका कन्हैया जी को देने की बात हो रही है। इस बात से पूरा कांग्रेस नाराज तो था ही दिल्ली का, और लवली जी के सारे कार्यकर्ता भी नाराज थे और वो नाराजगी लवली जी तक पहुंच रही थी। तो लवली जी पहले तो जब आपके साथ गठबंधन था तभी से उनकी नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के हित में उन्होंने अपनी नाराजगी को भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।